दोस्तों, हमारा प्यारा भारत कल यानी कि 16 दिसंबर को इलाइट ग्रुप ऑफ नेशन में शामिल हो गया, क्योंकि भारत ने एक ऐसे हवाई विमान को डेवलप कर लिया है जिसमें इंसान नहीं होंगे, इसे रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ने क्या बनाया है और ये इलाइट ग्रुप ऑफ नेशन क्या है, इसे भारत के किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, इसके आने से भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की वजह से आज भारत को एक और कामयाबी मिल चुकी है। आज हमारा भारत इलाइट ग्रुप ऑफ नेशन में शामिल हो गया है। इस इलाइट ग्रुप ऑफ कंट्री में ऐसे देश शामिल हैं जिन्होंने फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी के कंट्रोल सिस्टम पर महारत हासिल कर लिया है। आपको बता देगा इसके कुछ समय पहले तक भारत इस लिस्ट में शामिल नहीं था, लेकिन 16 दिसंबर दिन शनिवार को DRDO ने कर्नाटक में स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोनस्ट्रेटर का सक्सेसफुली टेस्टिंग किया है। यह एक हाई स्पीड UAV है। इसका मतलब होता है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, हिंदी में इसे मानव रहित हवाई विमान कहते हैं। अभी DRDO ने सक्सेसफुली इसकी टेस्टिंग कर ली है। आपको बता दें गाइस कि भारत के DRDO ने इस UAV में टेलेस कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया है, इस वजह से भारत इलाइट ग्रुप ऑफ कंट्री में शामिल हो गया है। भारत के चित्रदुर्ग में DRDO ने एक टेस्ट कंडक्ट किया और इस सफलता से भारत अपने हवाई क्षमता को और ज्यादा बढ़ा सकता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहली बार इसकी टेस्टिंग जुलाई 2022 में की गई थी। इसके बाद इसका 2-in-1 हाउस मैन्युफैक्चर प्रोटोटाइप बनाया गया और फिर 6 बार ट्रायल किया गया और अब फाइनली 2023 के आखिरी महीने में हम कामयाब हो चुके हैं, हमने डेवलप कर लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज कई देश मानव रहित फाइटर जेट, रिमोट कंट्रोल मिलिट्री टैंक और भी कई तरह के टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगे हैं। हर जगह ह्यूमन को रिप्लेस करने की बात की जा रही है। टेस्ला जैसी कंपनी पहले ही ऑटोमेटिक कार लॉन्च कर चुकी है जिसने ह्यूमन ड्राइवर को ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया है। आज ज्यादातर हवाई हमले ड्रोन के जरिए किए जा रहे हैं। कई बार कोई अटैक होता है तो पता चलता है कि ड्रोन के ग्रुप के द्वारा इसे कंडक्ट किया गया है। एक साथ कई ड्रोन अचानक से हमला कर देते हैं जिनका सामना करना सेना के लिए मुश्किल हो जाता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम भारत के साथ भी है। इससे निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स को 3 सिस्टम की जरूरत है। हमारे पास पहले से कई डिफेंस वेपन्स हैं, लेकिन आज समय तेजी से बदल रहा है। लेकिन गाइस, ये एक कड़वी सच है कि भारत अपने मिलिट्री पावर को समय के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ा पा रहा है। एक तरफ रूस और चाइना जैसे देश बढ़ रहे हैं, इस वीक इंडियन एयरफोर्स की ओर से कुछ प्रपोजल सबमिट किया गया जिसमें भारतीय वायुसेना ने 200 कंटेनर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम और 10 माइक्रो कम्युनिकेशन सिस्टम की मांग की। इसके अलावा 10 कामिकेज ड्रोन सिस्टम भी मांगा गया। आपको बता दें कि ये सभी सिस्टम दुश्मनों के ड्रोन के हमले को रोकने और उनका मुकाबला करने में मददगार साबित होता है। जो भी ड्रोन ग्रुप में अटैक करते हैं, इस सिस्टम की मदद से उनका भी सामना किया जा सकता है। ये जो माइक्रो मुनिशन सिस्टम है, यह एक मोबाइल डिलीवरी व्हीकल है जो युद्ध सामग्री तैनात करने में सक्षम होगा। कुल मिलाकर यह एक व्हीकल बेस्ड रडार कंट्रोल प्लेटफॉर्म है जिसमें हर एक लॉन्च में 128 गाइडेड मिसाइल होगी। इसे ऑटोमेटिक भी लॉन्च किया जा सकता है या फिर मैनुअली भी। इसका लॉन्चर एक साथ अलग अलग डायरेक्शन में फायरिंग कर सकता है। दूसरी ओर अगर KDS यानी कि कामी ड्रोन सिस्टम की बात करें तो इसके प्रत्येक लॉन्चर में 50 कामिकेज ड्रोन लगा होता है। यह एक साथ अटैक करने वाले ड्रोन के ग्रुप को ट्रैक करता है, उसका पता लगाता है। ये रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करके एक क्लियर इमेज प्रोवाइड करता है। यही कारण है कि इन सभी सिस्टम का यूज करके हम ड्रोन अटैक को रोक सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि गाइस, क्या भारत में ड्रोन से अटैक किया जा रहा है? आखिर क्यों हमारे डिफेंस इंडस्ट्री के द्वारा इन चीजों की मांगे की गई? गाइस, अभी भारत में देखा जाए तो ड्रोन से अटैक नहीं हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान के बॉर्डर पर ड्रोन पकड़े जाते हैं, वो ड्रोन के थ्रू भारत में ड्रग्स सप्लाई करते हैं। और जिन सिस्टम के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया, इनसे इन सारे ड्रोन को भी ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी डिफेंस इंडस्ट्री पहले से तैयार रहना चाहती है कि हमारे पास पहले से ये सारी चीजें हो, ताकि हम चेक कर पाए कि हमारे देश पर कोई ड्रोन से अटैक तो नहीं होने वाला है। तो टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है। अगर हमारे पास पहले से टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगा तो हम बड़े से बड़े खतरे को रोक सकते हैं। गाइस, अभी मैंने आपको जिस UAV ड्रोन के बारे में बताया जिसको बना करके भारत इलीट ग्रुप ऑफ नेशन में शामिल हो गया। इलीट ग्रुप ऑफ नेशन वैसा कंट्री है जिसके पास UAV ड्रोन मौजूद है। आई थिंक गाइस, अब आप समझ चुके होंगे भारत ने कौन से ड्रोन की टेक्नोलॉजी डेवलप की, इससे भारत को क्या फायदा होगा और कैसे भारत इलीट ग्रुप ऑफ नेशन में शामिल हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।